हेलो दोस्तों, चलिए आज हम लोग स्टार्ट करेंगे विलियन का एक नया पार्ट। और पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे आदर्श विलियन पढ़े थे और दूसरा पढ़े थे अनादर्श विलियन। अनादर्श विलियन का भी दो पार्ट था, एक था ऋणात्मक विचलन, दूसरा क्या था धनात्मक विचलन। हम सब यहां तक पढ़े थे और इसके आगे हम लोग आज स्टार्ट करेंगे, जिसमें सबसे पहला पॉइंट क्या है, ऋणात्मक विचलन। क्या पढ़ेंगे दोस्तों? ऋणात्मक विचलन पढ़ेंगे। और इसके अलावा पढ़ेंगे आज हम लोग धनात्मक विचलन। तो चलिए दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि 12th का ये VVI क्वेश्चन स्टार्ट हुआ है। यदि आप हमारे चैनल से रेगुलर जुड़ते हैं तो आप निश्चिंत रहिए और मैं आपको इंश्योर करता हूं कि 90% नंबर श्योर आ जाएगा, उससे कम आने की संभावना ही नहीं है। इसलिए मैं आपसे बार बार कहता हूं कि हमारे चैनल को जितना जल्दी हो सके सब्सक्राइब कीजिए, और कहीं भी किसी प्रकार का डाउट है, यदि आपको लग रहा है इसके बाद कौन चैप्टर पढ़ना चाहिए आपके अनुसार, तो आप में कमेंट में बतलाइए। जो आपको लग रहा है चैप्टर VVI है, वैसे तो मैं वो चैप्टर को VVI समझ के पढ़ा रहा हूँ जो मुझे लग रहा है। यदि आपको कुछ अलग लग रहा है तो आप में बताइए, हम पहले वही चैप्टर पढ़ाएंगे। चलिए आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं एक नया पॉइंट्स के साथ, और ये पॉइंट्स है ऋणात्मक विचलन। क्या पॉइंट्स है? ऋणात्मक विचलन पॉइंट्स। और इसी दोस्तों हम लोग बोलते हैं क्या, निगेटिव डेविएशन कहते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? निगेटिव डेविएशन कहते हैं। देखिए दोस्तों, मैंने बोला था जब आप द्रव को द्रव में मिलाइएगा, जब हम द्रव में द्रव को मिलाते हैं तो द्रव और द्रव के बीच क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है दोस्तों। यदि कोई शुद्ध पदार्थ ए है, मीन्स अकेला है, उसमें भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है। यदि कोई शुद्ध पदार्थ बी है, उस द्रव में भी दोस्तों फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है। लेकिन यदि दोनों को आपस में मिला देंगे तो दोनों के बीच भी क्या लगेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा। तो नाम से ही पता चल रहा है ऋणात्मक विचलन। नाम से ही नाम है क्या, ऋणात्मक विचलन, उससे ही पता चल रहा है क्या होना चाहिए। इससे ये पता चलता है दोस्तों, यदि दोनों पदार्थ, दोनों अलग अलग पदार्थों के बीच यदि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा हो जाए, दोनों पदार्थों के बीच यदि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा हो जाए, किस से, शुद्ध ए से अशुद्ध बी से। और यदि विलियन को दोस्त आप गर्म कीजिएगा, जब गर्म कीजिएगा अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा हो रहा है, इसका मतलब क्या दोस्तों, जो विलियन का अणु है वो वेपर में जल्दी नहीं बनेगा। जो विलियन का अणु है वो वेपर में जल्दी नहीं बनेगा। जब जल्दी वेपर नहीं बनेगा तो वाष्प दाब अधिक से अधिक क्रिएट नहीं होगा दोस्तों। और जब वाष्प दाब अधिक क्रिएट नहीं हुआ तो राउल्स जो अनुमान लगाता है वाष्प दाब का, उससे भी कम हो जाता है। क्या होता है? उससे भी कम होता है। यदि वाष्प दाब राउल्स के अनुसार कम हो जाए, जो वो सोच रहा है उससे कम हो जाए, तुम ऐसे ही विलियन को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ऋणात्मक विचलन कहते हैं, निगेटिव डेविएशन का। आइए दोस्तों क्या लिखा हुआ देखिए, आप देखिए,
वही लिखा हुआ थी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ए बी, मतलब ए और बी ये दो अलग अलग भी दोस्तों हैं, ये ए है और ये क्या है बी है, दोनों क्या दोस्तों अलग अलग है, और जब ये दोनों को मिलाते हैं तो क्या बनता है ए प्लस बी। यदि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ए ए और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बी बी और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या दोस्तों ए बी है, यदि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ए बी ग्रेटर हो जाए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ए ए से एंड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बी बी से, तो जितना वेपर बनना चाहिए विलयन का उतना वेपर नहीं बनेगा, और यदि उतना वेपर नहीं बनेगा इसका अर्थ क्या हुआ दोस्तों, इसका साफो साफ अर्थ है जितना वाष्प दाब बनना चाहिए अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ उतना नहीं बनेगा, और यदि उतना नहीं बनेगा मतलब क्या हुआ प्रेशर घट गया। अब प्रेशर घट गया तो मतलब ऋणात्मक विचलन कहते, देखिए वही लिखा हुआ एफ ए एफ ए बी ग्रेटर देन एफ बी बी, तब अनु बी के अनु में से उतनी तेजी से बाहर नहीं निकलता है जिससे विलयन का वाष्पदाब क्या राउल्ट्स नियम द्वारा अनुमानित वाष्पदाब से कम हो जाता है, और यही विचलन क्या कहलाता है दोस्तों निगेटिव डेविएशन कहता है। क्या कहलाता है निगेटिव डेविएशन कहलाता है दोस्तों। जैसे आप एक डायग्राम समझिए दोस्तों, क्या देखिए डायग्राम देखिए क्या बोलता है, देखिए इस साइड दोस्तों आपको लिया गया है ए, क्या लिया दोस्तों लिया गया ए लिया गया है, और इस साइड दोस्तों क्या लिया गया है बी लिया गया है। यदि हम बात करते दोस्तों यहां पर सिर्फ इस पॉइंट पे और बात करते इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे ए का सॉरी इस पॉइंट पे बी ए लिया गया है और इस पॉइंट पे क्या लिया दोस्तों बी लिया गया है, क्या लिया गया बी लिया गया है, ये कह सकते हैं शुद्ध ए है, ये क्या है शुद्ध बी है, यहां लिख सकते हैं दोस्तों क्या शुद्ध बी, शुद्ध क्या है बी, और यहां दोस्तों लिख सकते हैं शुद्ध क्या है ए। जब शुद्ध ए को गर्म करेंगे तो इसका प्रेशर देखिए ऊपर दिया हुआ प्रेशर देखिए दोस्तों, जब शुद्ध बी का प्रेशर दिया देखिए ए दिया हुआ है, शुद्ध ए का प्रेशर दिया है शुद्ध बी का ही प्रेशर दिया हुआ है। अब सवाल है दोनों को मिलाएंगे तब निकालेंगे प्रेशर, तो देखिए यहां दिया दोस्तों मोल प्रभाज ए, इसका मतलब यहां बी क्या जीरो है, और यदि बी जीरो हो गया इसका मतलब बी वहां पे नहीं है, ठीक उसी प्रकार यहां देखिए दिया हुआ बी मतलब इसका मतलब सिर्फ बी है, ए का मोल प्रभाज जीरो है मतलब ए नहीं है आपका, है साफ साफ लिखा हुआ देखिए। अब जैसे जैसे हम मिलाते इधर आते हैं और ए और बी का मात्रा आपस में दोस्तों मिलते जाता है, जैसे ए बी का मात्रा मिलता जुलता है, क्या है मिलता जुलता है दोस्तों है, क्या होगा देखिए ये जो प्रेशर है शुद्ध ए का बी ए का प्रेशर है शुद्ध बी का प्रेशर, राउल्ट्स बोलता है क्या जब दोनों को मिलाएंगे जितना प्रेशर पहले ए का था और जितना प्रेशर पहले बी का था उतना ही प्रेशर होगा ए और बी का। ये डॉटेड लाइन देख रहे हैं क्या, यही डॉट देखिए लोन दे, ये ए हो गया ए का प्रेशर, ये हो गया बी का प्रेशर, और ये हो गया टोटल प्रेशर दोस्तों। जब सिंगल प्रेशर निकालते हैं तो उसी बोले थे डाल्ड क्या पार्शियल प्रेशर आंशिक दाब बोले थे, जब दो आंशिक दाब को हम मिला देते हैं ऐड कर देते हैं टोटल प्रेशर निकलता है, ये देखिए मिला दिया, देखिए मिला दिया गया, ये जो प्रेशर आप देख रहे हैं सीधा लाइन देखिए दिया हुआ डॉटेड देखिए दे लिया पर दिया डॉटेड देख लिया डॉटेड दिया हुआ है, इसी को हम लोग दोस्तों क्या बोलते हैं राउल्ट्स दाब बोलते हैं। यदि राउल्ट्स नियम को पालन करता दोस्तों तो यही इसी प्रकार का प्रेशर क्रिएट होता दोस्तों, देख लीजिए एकदम स्ट्रेट सीधा लाइन प्राप्त होता आपको, लेकिन राउल्ट्स नियम को पालन करता नहीं है, जब पालन नहीं करता है तो क्या अनादर्श विलयन होगा, और अनादर्श विलयन में निगेटिव डेविएशन प्रेशर का कम हो जाना इसी कारण देखिए प्रेशर यहां नीचे देखिए आ गया ना, देख लीजिए नीचे देखिए आ रहा है, देखिए क्या है ये राउल्ट्स लॉ को पालन करता तो ये प्रेशर होता दोस्तों, लेकिन राउल्ट्स लॉ को पालन करता नहीं है इसलिए क्या नीचे की ओर आ रहा, देखिए
अब नीचे की और ही क्यों आएगा, ऊपर क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि हम पढ़ रहे नेगेटिव डेविएशन, हम पढ़ रहे विलयन में जो अवयव है वो दोनों के बीच फोर्स ऑफ एट्रैक्शन ज्यादा है दोस्तों, इसलिए ये नेगेटिव डेविएशन की ओर अग्रसर हो जाए। क्या होगा, नेगेटिव डेविएशन की ओर आ जाएगा दोस्तों, कोई दिक्कत में क्या। यदि वही हम लोग पढ़ते पॉजिटिव तो क्या होना चाहिए दोस्तों, ऊपर की ओर जाएगा। तो यही डायग्राम बोलता है, यदि अनादर्श विलयन में नेगेटिव डेविएशन है तो वास्तव जो है क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब सवाल दोस्तों ये है, यदि बोला जाए, क्या बोला जाए, नेगेटिव डेविएशन का एक एग्जांपल दीजिए, तो साफो साफ दिया दोस्तों जी क्लोरोफॉर्म, जिसका फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, CHCl3, इसी को क्या बोलते हैं, क्लोरोफॉर्म बोलते हैं। और एसीटोन क्या होता है, CH3C(O) और CH3, ये कहलाता है दोस्तों क्या, एसीटोन कहलाता है। ये भी एसीटोन है, ये क्लोरोफॉर्म है, ये एसीटोन है, ये दोस्तों क्या एग्जांपल है किसका, नेगेटिव डेविएशन। जब ये दोनों को आप मिला देते हैं दोस्तों, आप देखिएगा जितना वाजदाब इसका था और जितना वाजदाब इसका था, ये दोनों को वाजदाब से क्या कम हो जाता है ऑलरेडी, क्योंकि वाजदाब कम हो रहा है, इसलिए एक कहलाएगा नेगेटिव डेविएशन का, क्या कहलाएगा दोस्तों, नेगेटिव डेविएशन कहलाएगा। कोई डाउट इसमें क्या, आइए देखते हैं। ये तो पहला एग्जाम्पल था नेगेटिव डेविएशन का, क्या क्लोरोफॉर्म और एसीटोन। अब सवाल दोस्तों ये भी है, ये दोनों को मिला देने से आखिर क्यों नेगेटिव डेविएशन प्राप्त हो जाता है, तो बहुत आसान आंसर है, CHCl3 था और CH3C(O) था और CH3 था। दोस्तों आप पढ़े होंगे हाइड्रोजन बॉन्ड नाम का कोई एक बॉन्ड होता है, क्लास 11th में केमिकल बॉन्डिंग में पढ़े होंगे, आप क्लास 11th के केमिकल बॉन्डिंग में पढ़े होंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड नाम का एक बॉन्ड भी होता है। वही बात, इसका हाइड्रोजन और इसका ऑक्सीजन, ये दोनों मिलकर क्या करता है, हाइड्रोजन बॉन्ड का निर्माण कर लेता है। और हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता कौन है, हाइड्रोजन के साथ मिले ऑक्सीजन, हाइड्रोजन के साथ मिले नाइट्रोजन, हाइड्रोजन के साथ मिले फ्लोरीन। मतलब क्या, फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ मिलकर हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है। वही बात यहां पे, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बना लेता है दोस्तों, हाइड्रोजन बॉन्ड का निर्माण कर लेता है। और जैसे ही हाइड्रोजन बॉन्ड का निर्माण करेगा, और हम जानते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड क्या एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, तो हीट करने के बाद जल्दी बॉन्ड टूटता ही नहीं है। और जब बॉन्ड टूटेगा नहीं, वेपर बनेगा नहीं, और जब वेपर बनेगा नहीं, वाष्प दाब क्रिएट होगा नहीं। जब वाष्प दाब क्रिएट नहीं हुआ तो सिंपल सी बात है, वाष्प दाब कम हो जाएगा। वाष्प दाब क्या है, कम हो जाएगा, मतलब क्या, नेगेटिव डेविएशन की ओर अग्रसर हो जाएगा दोस्तों। नहीं दिए दोस्तों क्या है, ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले अन्य युग्म कौन कौन सा है, मतलब इसका एक एक्स्ट्रा एग्जांपल कौन है, नेगेटिव डेविएशन का एक अलग एग्जांपल क्या हो सकता है, तो जल लिया गया है और नाइट्रिक अम्ल लिया गया। जल मीन्स क्या, H2O, आप नाम सुने होंगे, नाइट्रिक अम्ल क्या, HNO3। जब ये दोनों को आपस मिला दीजिएगा दोस्तों, नेगेटिव डेविएशन प्राप्त हो जाएगा। इसके अलावा भी एक एग्जांपल है, क्लोरोफॉर्म CHCl3 और क्या है, बेंजीन C6H6। ये है क्लोरोफॉर्म, ये है बेंजीन, ये दोनों का मिश्रण भी क्या है, नेगेटिव डेविएशन देता, क्या करेगा, नेगेटिव डेविएशन आपको। तो नेगेटिव डेविएशन का एग्जांपल क्या क्या हो गया, क्लोरोफॉर्म, एसीटोन, ये दोनों विलयन हो गया जो देखिए यहां दिया हुआ है। दूसरा जल और नाइट्रिक अम्ल, क्लोरोफॉर्म और बेंजीन, ये सब का जोड़ा जो है आपको नेगेटिव डेविएशन आपको देने का प्रयास करता है और देता भी है दोस्तों। नहीं देखिए क्या, नेगेटिव डेविएशन मीन्स ऋणात्मक विचलन में विलयन का आयतन क्या होता है, घट जाता है, सिंपल सी बात है, एट्रैक्शन ज्यादा वॉल्यूम कम हो जाएगा, एट्रैक्शन कम होगा तो वॉल्यूम ज्यादा हो जाएगा।
वही बात है, ऋणात्मक विचलन में विलयन का आयतन क्या होता है, कम हो जाता है, घट जाता है, तथा विलयन बनने की प्रक्रिया में जो हीट का उष्मा होता है वो उष्मा भी क्या होता है दोस्तों, घट जाता है। क्या होता है, घट जाता है, मतलब जितना होना चाहिए उष्मा का रिलीज उतना हो नहीं पाता है। वॉल्यूम भी क्या होता है, विलयन का घट जाता है, जैसे वॉल्यूम क्या बोलेंगे, डेल्टा भी लेस देन वी वन प्लस कितना वी टू, तो डेल्टा एच लेस देन एच वन प्लस एच टू, दोनों को ऐड करने के बाद क्या होता है, वॉल्यूम। नेक्स्ट बात देखिए दोस्तों क्या है, देखिए धनात्मक विचलन, एक मिनट दोस्तों, आज देखिए क्या है, पॉजिटिव डेविएशन, क्या है पॉजिटिव डेविएशन, पॉजिटिव डेविएशन को हम लोग दोस्तों क्या बोलते हैं, धनात्मक विचलन। इसमें मैंने क्या बोला था कि जब विलयन को मिलाते हैं वाष्प दाब जो है विलयन का वो बढ़ जाता है शुद्ध ए के तुलना में और शुद्ध बी के तुलना में, अर्थात इसका आप इससे क्या अनुमान लगाते हैं, जैसे एग्जाम्पल देखिए, विलयन ए है विलयन बी है, विलयन ए विलयन बी, इसका वाष्पदाब अलग होगा, इसका वाष्पदाब अलग होगा, जब दोनों को मिला दिए तो यदि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ए और बी के बीच, यदि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ए और बी के बीच कम हो जाए तो कम टेम्परेचर देने के बाद भी क्या होता है, जो अवयव है विलयन का वो वेपर बनना शुरू हो जाता है दोस्तों। जब वेपर जल्दी जल्दी बनेगा, मतलब क्या, जब वेपर जल्दी जल्दी बनेगा वाष्प दाब क्या होगा, ज्यादा होगा, जब वाष्प दाब ज्यादा हो गया तो क्या होगा, पॉजिटिव डेविएशन हो जाएगा, क्या होगा दोस्तों, पॉजिटिव डेविएशन हो जाएगा। देखिए वही दोस्तों लिखा हुआ, देखिए क्या, इसके विपरीत यदि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ए बी में जितना होगा वो कम हो जाए बी बी से, तब बी का अणु से विलयन से क्या होगा, विलयन का जो अणु है वो तेजी से क्या निकलेगा, जिससे विलयन का वाष्पदाब क्या, राउल्ट्स नियम के द्वारा अनुमानित वाष्पदाब से क्या होगा, अधिक होगा, यह विचलन क्या कहलाता है दोस्तों, पॉजिटिव डेविएशन कहलाता है। यदि दोस्तों इसका एक एग्जांपल देते हैं, इथेनॉल और साइक्लोहेक्सेन, इथेनॉल का फॉर्मूला होता है दोस्तों C2H5OH और साइक्लोहेक्सेन का फॉर्मूला होता है दोस्तों, देखिए क्या ये कहलाता है, साइक्लोहेक्सेन ये कहलाता है इथेनॉल, जब दोनों को आपस में मिला देते हैं दोस्तों तो वो दोनों मिलने के बाद क्या बन जाता है, पॉजिटिव डेविएशन को क्रिएट करता है, पॉजिटिव डेविएशन विलयन कहलाता है दोस्तों, दोनों को मिला देने से। धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले अन्य एग्जांपल क्या हो सकता है दोस्तों, बेंजीन और मेथेनॉल। बेंजीन का आप फॉर्मूला पढ़े थे, अब मैं कई बार बताया हूं C6, क्या बताया हूं, C6H6, और मेथेनॉल CH3OH, ये क्या मिथेनॉल है, ये दोनों को जब मिलाते हैं पॉजिटिव डेविएशन विलयन आपको प्राप्त होता है। इसके अलावा दोस्तों देखिए एग्जांपल क्या हो जाएगा, देखिए बेंजीन और एसीटोन का मिश्रण, बेंजीन और एसीटोन का मिश्रण क्या कहलाएगा, पॉजिटिव डेविएशन कहलाएगा, और एसीटोन और एथेनॉल का मिश्रण क्या कहलाएगा, पॉजिटिव डिविजन कहलाएगा दोस्तों। और धनात्मक विचलन होने से विलयन का आयतन क्या होगा दोस्तों, बढ़ जाएगा, और विलयन बनने के क्रम में जो हीट का उष्मा का अवशोषण होगा या उत्सर्जन होगा क्या होगा दोस्तों, बढ़ जाएगा। वही लिखा हुआ, धनात्मक विचलन होने से विलयन का आयतन थोड़ा बढ़ जाता है, तब द्रवों को मिश्रित करने की क्रिया में उष्मा का अवशोषण भी क्या होता है, बढ़ जाता है दोस्तों। देखिए वही एग्जांपल है दोस्तों, सेम एग्जांपल है,
यदि यहां देखिए क्या लिया, सिर्फ और सिर्फ क्या लिया गया दोस्तों, बी लिया गया है। यहां देखिए सिर्फ और सिर्फ ये प्रेशर जो दिखा रहा है वाई एक्सिस पे सिर्फ ए का प्रेशर दिखा रहा है पी ए, ये दोस्तों क्या है पी बी है, दोनों को मिला दिए तो प्रेशर बढ़ेगा। देखिए ये प्रेशर बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ गया। यदि ये आदर्श विलयन होता तो ये प्रेशर स्ट्रेट लाइन होता दोस्तों, लेकिन चूंकि ये आदर्श विलयन नहीं है, ये अनादर्श विलयन है, और अनादर्श विलयन में भी क्या है धनात्मक विचलन है। धनात्मक विचलन का मतलब क्या, प्रेशर बढ़ेगा। देखिए प्रेशर क्या है, बढ़ गया। देख लीजिए आदर्श विलयन जितना है होना चाहिए उससे देखिए बढ़ गया दोस्तों, देखिए क्लियर दिख रहा है बढ़ गया। ये लाइन देखिए आप, ये लाइन देखिए जहां येलो कलर देख रहे, ये लाइन बढ़ गया किससे, इस लाइन से। तो यदि ये आदर्श विलयन होता तो ये लाइन होता, ये किसका आदर्श विलयन का लाइन है, लेकिन है क्या देखिए अनादर्श, ये पॉजिटिव है तो ये क्या है अनादर्श विलयन में पॉजिटिव डेविएशन का एग्जांपल। तो वाजदाब दोस्तों क्या हो गया, बढ़ गया दोस्तों। अब विचलन के कारण क्या है, सवाल दोस्तों ये है, बड़ा अजीब लग रहा होगा ना, आखिर विचलन होता क्यों है, मैंने जस्ट अभी बताया हूं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कारण क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कारण है। देख रहे हर चीज देखिए आ रहा है, वो ऐसा चीज नहीं आ रहा, देख लीजिए पहले देखिए पॉजिटिव डिविजन क्या होता है, निगेटिव क्या होता है, वहीं पे हम कारण भी पढ़े थे, लेकिन एक बार फिर से कारण देख लीजिए आप। यदि हम देखेंगे ऋणात्मक विचलन कारण क्या है, विलयन में जो अवयव है उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा हो जाना, ये क्या है निगेटिव डेविएशन का कारण। अब आता है पॉजिटिव डेविएशन का कारण क्या है, विलयन में जो अवयव है उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का कम हो जाना, ये क्या कारण है। देखिए दोस्तों क्या लिखा हुआ है, मान ले कि विलयन में दो अवयव ए और बी का मिश्रण है, बात सही है, कोई विलयन है, उस विलयन में क्या है ए और बी है, यही आपको बोला गया है, बात तो सही है। यदि ए और बी के बीच अन्योन्य क्रिया इंट्रैक्शन ए बी और ए और बी के बीच की अन्य क्रिया से कमजोर होता है, मतलब इसमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ए और बी में, ए और बी में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दोस्तों है वो कम होगा किससे, ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ए एंड ए के बीच से और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बी और बी से, तब विलयन धनात्मक विलयन प्रदर्शित करता है, विलयन में से ए और बी वाष्पित होने की प्रवृत्ति अधिक होती है, क्योंकि इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ए और बी में कम है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देखिए, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ए बी में क्या है, कम है किससे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ए ए से एंड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बी बी से, इसलिए इसमें क्या होता है अधिक अनुभेपर बन जाता है, जब अधिक अनुभेपर बना तो पॉजिटिव डेविएशन आपको देगा, ऋणात्मक विचलन आपको, सॉरी धनात्मक विचलन आपको देगा। अब देखिए दूसरा पॉइंट देखिए क्या है, विलयन के अवयव परस्पर संयोग करके यौगिक बना लेते हैं, मतलब क्या जो दोनों कंपोनेंट है दोनों बीच क्या होता है आपस में संयोग करता है जिससे एक नया यौगिक का निर्माण होता है, किसी अवयव के अणु परस्पर संयोजित होकर जटिल अणु बना लेता है, ये सब दोस्तों क्या था कारण। दोस्तों यदि आप सबको अभी तक कहीं भी डाउट जरूर आप में बताइए, और चैनल को वीडियो को शुरू से अंत तक देखने का प्रयास कीजिए, वीडियो को शुरू से अंत तक प्रयास कीजिए देखने का, तब जाके एक एक पॉइंट आपको समझ में आएगा आखिर कहना क्या चाहता है। तो दोस्तों आज हम लोग क्या पढ़े, हम लोग आज पढ़े अनादर्श विलयन का धनात्मक विलयन, ऋणात्मक विलयन किसे कहते हैं, ऋणात्मक विलयन का कारण क्या है, ऋणात्मक विलयन कौन कौन सा एग्जाम्पल है वो देखे, धनात्मक विलयन देखे, धनात्मक विलयन का एग्जाम्पल क्या होता है, और ऋणात्मक और धनात्मक विलयन होने का कारण क्या है, और डायग्राम के मेथड से देखे हम लोग,
तो चार पांच चीज देखिए, हम लोग इस समय में, यदि आप सबको इस समय में कहीं भी डाउट है दोस्तों, आप हमें अवश्य बताइए और निश्चित तौर पे हम कोशिश करेंगे उसको अच्छे से सॉल्व करें। चलिए अपने अब अपने सेशन को यही समाप्त करते हैं। जय हिंद।